अगर आपको स्क्विड गेम जैसी सीरीज देखना पसंद है तो आज मैं आपके लिए ऐसे ही सिमिलर कंसेप्ट पर बनी हुई एक अमेजिंग सीरीज सजेशन लाया हूं, जिसे देख के आपके दिमाग की मसल्स की एक्सरसाइज जरूर हो जाएगी और मजा एक नंबर आने वाला है। इस सीरीज की भी शुरुआत होती है जब कुछ मजबूर और कर्जे में डूबे हुए लोग बस मरना चाहते हैं। उनको एक ऑप्शन मिलता है किसी सीक्रेट एजेंसी के थ्रू कि वो बहुत सारा पैसा कितनी आसानी से कमा सकते हैं, सिर्फ उन्हें अपना टाइम देना होगा उन लोगों को। इस गेम को खेलने के लिए वो सीक्रेट एजेंसी 8 लोगों का चुनाव करती है और उनको ऐसे थिएटर में ले जाती है जहाँ पे 8 कार्ड्स रखे हुए होते हैं और वो जो भी कार्ड चूज करते हैं उसी के हिसाब से उनको उस नंबर का रूम असाइन किया जाएगा। पर इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जो आपको ये सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। इस गेम में बताया गया है कि आप जितना टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे पैसे बढ़ते रहेंगे और यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई कंटेस्टेंट मर जाता है तो वो गेम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और जब ये सारे रूम से बाहर निकलते हैं, नीचे कॉरिडोर में जाते हैं, वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक स्टॉप वॉच लगा होता है जहाँ पे इन्हें टाइम दिया गया होता है और उतने ही टाइम तक यहाँ स्टे कर सकते हैं और ये पैसे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं इन्हें और बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इन्हें बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा इस बिल्डिंग के अंदर। पर मेरे दोस्त, ये सुनने में आसान लग रहा होगा, बहुत ही ईजी है पैसा कमाना, लेकिन ये सीरीज़ कैसे शुरुआत में एंटरटेनमेंट से भरी हुई होती है, धीरे धीरे इंटेंस हो जाती है और आखिरी स्टेज पे इतने सस्पेंस और ट्विस्ट आपको देखने को मिलते हैं कि आप भी हैरान हो जाओगे। इस सीरीज़ के अंदर जिन्होंने गेम बनाया होता है उन्होंने सिर्फ मनी और टाइम का ऐसा एल्गोरिदम सेट किया होता है कि ये सीरीज़ धीरे धीरे इतनी इंटरेस्टिंग होने लग जाती है कि आपके होश उड़ा देगी। अब इस सीरीज में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि अगर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ समय बिताना है तो उस स्टॉप वॉच में दिए गए टाइम को बढ़ाना होगा और वो बढ़ाने के लिए जब वो डिकोड करते हैं कि ये कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिनसे ऑडियंस को मज़ा आ रहा है तो वो टाइम बढ़ जाता है। अब ये 8 कंटेस्टेंट उस जगह ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सके, उस चीज़ के लिए ये कितनी सारे गेम्स बनाते हैं और धीरे धीरे कैसे सीरीज इंटेंस हो जाती है और ये पैसे कमाने का गेम कैसे डीप वेब का रेड रूम बन जाता है, ये देख के तो आप भी दंग रह जाएंगे कि एक इंसान पैसों के लिए किस हद तक गिर सकता है और क्या क्या कर सकता है। और मुझे तो लगता है कि अगर सच में ही कोई ऐसा गेम आ जाए इस दुनिया में तो बिल्कुल इन्हीं लोगों की तरह कैसे एक इंसान पैसों के लिए क्या क्या कर सकता है इस सीरीज में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कौन कितने पैसे अपने घर ले जाता है और कैसे ये बाहर निकल पाते हैं। इस अमेजिंग सीरीज का नाम है द 8th शो जो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, तो जाइए, देर किस बात की है। और ऐसे ही अमेजिंग सीरीज सजेशंस के लिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।